मैहर में विद्युत विभाग ने बिजली बिल वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू कर 18 लोगों के बिजली कनेक्शन काट दिए। इस दौरान 48 लोगों ने बिल की बकाया राशि जमा भी कराई। मैहर के ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोगों ने बिल जमा नहीं किए तो विद्युत विभाग ने कार्यवाही की। विद्युत विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 18 लोगों की सप्लाई काट दी। इसके बाद 48 लोगों से 1,50,000 के लगभग बिल वसूला गया। मैहर में बिजली विभाग के जेई सतीश तिवारी और उनकी टीम ने लोगों को भी समय पर बिल जमा करने की हिदायत दी। कुछ जगह चोरी की बिजली से पंप चल रहे हैं, लोगों पर भी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया। हमारे प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार जो भी बकाया राशि, जिन उपभोक्ताओं की बकाया राशि 10,000 के ऊपर है, उनकी लाइन काटने की कार्रवाई की जा रही है। और लाइन काटने के बाद भी यदि उपभोक्ताओं द्वारा बिल नहीं जमा किया जा रहा है, इसके पहले हमने सभी उपभोक्ताओं को धारा 56 के नोटिस जारी कर दिए हैं। धारा 56 के नोटिस के 15 दिन बीत चुके हैं। इसके बाद हमने बी फार्म भी सभी उपभोक्ताओं को जारी कर चुके हैं। बी फार्म के भी आज 7 दिन बीत चुके हैं, परंतु किसी भी उपभोक्ता द्वारा बिल जमा करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इससे लाइनें काटी जा रही है। जैसे अभी हम रामनिक उपाध्याय, जिनका 11,697 रुपए बिल है, उनका कनेक्शन काट रहे हैं। इसके पहले हमने रामनिवास पटेल जी, जिनका 40,000 रुपए बिल बाकी था, उनका खंभे से लाइन काटी और उनकी तार भी समेटी है। साथ ही अभी हम इस दौरान जो भी अवैध पंप चल रहे हैं, उनके चोरी के प्रकरण भी आज दर्ज करेंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनकी लाइनें हमने पूर्व में काट दी थी और पूरे नोटिस भी दे चुके हैं, फिर भी वो लाइट का उपयोग कर रहे हैं, उनका विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई करेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।